हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो फिलहाल मैं हूं अभी मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर, और आज मैं आपको कराने वाला हूं श्री गोवर्धन की परिक्रमा, जिसकी परिक्रमा है 21 किलोमीटर की। तो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे आप आ सकते हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, आपको गोवर्धन आने के लिए सबसे पहले मथुरा रेलवे स्टेशन आना होगा, और मथुरा के लिए तकरीबन सभी शहरों से ट्रेन उपलब्ध है। और मथुरा रेलवे स्टेशन से जस्ट 1 किलोमीटर आगे आपको बस स्टैंड मिलेगा, वहां से आपको सरकारी बसें मिल जाएंगी गोवर्धन के लिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं। दोस्तों, देख सकते हो ये है रेलवे स्टेशन जाने का मार्ग, और ये है बस स्टैंड। तो यहाँ से आपको बस मिल जाएगी गोवर्धन के लिए, तो देख सकते हैं आप। और ये रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो देख सकते हो आप। तो यहीं से आपको जस्ट इसके सामने आपको बस मिल जाएगी, देख सकते हो आप। ये सभी सरकारी बसें खड़ी है, तो यहीं से आपको गोवर्धन के लिए बस मिल जाएगी डायरेक्ट। तो बाकी बताता हूँ मैं कितना फेयर है एक बंदे का गोवर्धन के लिए। दोस्तों, आप देख सकते हो ये संतरी बस में आप जाओगे, एसी बस में, तो 40 रुपये लगेंगे गोवर्धन के। और इसमें देख सकते हो ये नॉन एसी बस है, इसमें आपको 24 रुपये देने होंगे, तो आप किसी बस में भी जा सकते हो। दोस्तों, मथुरा से गोवर्धन की दूरी जो है वह 20 किलोमीटर की है, और समय लगता है आधे से पौन घंटा। तो बस हमारी चल चुकी है, देख सकते हो आप। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है गोवर्धन का बस स्टैंड। तो देख सकते हो कितना बड़ा बस स्टैंड बना दिया गया है यहाँ पे। तो थोड़ा नज़ारा आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, आप नज़ारे देख सकते हो गोवर्धन बस स्टैंड का। तो ये बस स्टैंड है, यहाँ से आपको मथुरा वृंदावन के लिए बस मिल जाएगी। तो देख सकते हो कितना बड़ा बस स्टैंड बना दिया गया, और कितना भव्य और सुंदर है। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ गोवर्धन बस स्टैंड पर, और अब मैं जाऊंगा मंदिर के दर्शन करूंगा, और आपको बताऊंगा कहां से परिक्रमा स्टार्ट होता है, और टेंपल के भी दर्शन कराऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। बाकी देख सकते हो ये मेरे पीछे ये है बस स्टैंड गोवर्धन का। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुखारविंद मानसी गंगा के पास। तो देख सकते हो आप, यहीं से परिक्रमा स्टार्ट होती है। तो आप मानसी गंगा में स्नान करके परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको कराते हैं दर्शन मानसी गंगा के और मुखारविंद टेम्पल के। तो चलिए, और बाकी आप यहाँ के मार्केट देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी रेडी वगैरह लगी हुई है, तो आप यहाँ पे खाना खा सकते हो। और आगे आपको छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएगी जहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हो, जूता चप्पल वगैरह रख सकते हो। तो उसका भी बताते हैं क्या प्राइस है। बाकी देख सकते हो ये है प्रवेश द्वार, तो यहीं से जाना होता है टेम्पल के लिए मुखारविंद के लिए। और आगे ही थोड़ा 50 मीटर आगे मानसी गंगा है, तो कराते हैं आपको दर्शन। तो दोस्तों, ये शॉप्स है, यहाँ पे आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हो। तो देख सकते हैं आप, जस्ट प्रवेश द्वार के सामने आपको मिलेगा, तो यहाँ पे अपना लगेज वगैरह जमा कर सकते हो आप। तो दोस्तों, मैंने अपना स्लीपर जमा कर दिया है, और बैग का लेते हैं 20 रुपये और स्लीपर के लेते हैं 10 रुपये। तो सभी यहाँ पर नंगे पाँव ही परिक्रमा देते हैं, तो अभी ले चलते हैं आपको और कराते हैं दर्शन। तो दोस्तों, नज़ारे आप देख सकते हो, मुखारविंद टेम्पल की तरफ आप जाओगे तो कुछ इस तरह के सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी दुकानें मिलेंगी आपको देखने के लिए, प्रसाद की शॉप्स देखने को मिलेंगी, तो देख सकते हो आप। दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मानसी गंगा के पास। तो कीजिए मानसी गंगा के दर्शन, और मान्यता है भगवान श्री कृष्ण ने इस गंगा को अपने मन से प्रकट किया था। तो देख सकते हो सामने मुखारविंद का टेम्पल है, तो यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं, और स्नान करके यहीं से आप अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आप नज़ारे देख सकते हो मानसी गंगा के।
दोस्तों कीजिए मुखारविंद मंदिर के दर्शन, और यहाँ पे भगवान को दूध और पुष्प चढ़ते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको और कराता हूँ आपको दर्शन। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ये हमारी गौ माता, और यहाँ पे देख सकते हो आप दूध और पुष्प चढ़ते हैं भगवान को। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगे आपको। दोस्तों मैंने आपको मुखारविंद टेंपल के दर्शन करा दिए। तो ये मेरे पीछे देख सकते हो ये है मुखारविंद का टेंपल, तो दर्शन किए आपने, और ये है पीछे मानसी गंगा, तो कीजिए दर्शन। तो चलते हैं आप परिक्रमा के लिए, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है और देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिलहाल अभी सुबह के 11 बजे हैं, तो बताता हूँ कितने घंटे लगते हैं मुझे पूरी परिक्रमा में, और ये परिक्रमा पैदल करूँगा। तो ले चलते हैं आपको परिक्रमा पर। तो दोस्तों मैं मुखारविंद से अब जा रहा हूँ दान घाटी की तरफ। तो देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने की शॉप्स मिल जाएगी आपको इस मार्केट में, और मुखारविंद से दान घाटी की दूरी है 1 किलोमीटर। तो कराते हैं आपको दर्शन दान घाटी के। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं दान घाटी टेम्पल के आगे, और ये मेरे पीछे देख सकते हो ये दान घाटी टेम्पल, तो कीजिए दर्शन। तो ले चलते हैं आपको अंदर और कराते हैं टेम्पल के दर्शन, और बड़ी परिक्रमा यहीं से शुरू होती है गोवर्धन की, उसके भी दर्शन कराते हैं और ले चलते हैं आपको परिक्रमा मार्ग पर। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ दान घाटी मंदिर के सामने, और देख सकते हो ये है दान घाटी टेम्पल। और मान्यता ये है यहाँ की कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ से गोपियों से दूध और माखन का दान लेते थे, तो इस जगह का नाम पड़ा दान घाटी। और इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ उंगली पर धारण किया था। तो ले चलते हैं अंदर और कराते हैं टेंपल के दर्शन, और बाकी देख सकते हो यहीं से बड़ी परिक्रमा स्टार्ट होती है, तो उसके भी दर्शन कराते हैं और ले चलते हैं परिक्रमा की ओर, और पहले आपको करा देते हैं टेंपल के दर्शन। तो ये दान घाटी का टेंपल, और देख सकते हो जस्ट इसके सामने आपको रास्ता मिलेगा। देख सकते हो यहाँ से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है, और यहीं से भक्तगण देख सकते हो दंडवती परिक्रमा, पैदल परिक्रमा सब यहीं से स्टार्ट होता है। तो देख सकते हो यहाँ से लोग दंडवती परिक्रमा और पैदल परिक्रमा यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये है अपना दान घाटी का टेम्पल, और यहीं से बड़ी परिक्रमा स्टार्ट होती है, तो यहाँ से आप परिक्रमा यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों परिक्रमा स्टार्ट कर दिया है मैंने, अगर आप चाहो तो रिक्शे में भी परिक्रमा कर सकते हो। ई रिक्शा में तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी रिक्शा खड़ी है, तो एक सवारी के 100 रुपये लेते हैं पूरी परिक्रमा की 21 किलोमीटर की, तो आप रिक्शे में भी परिक्रमा कर सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों बहुत सारे यात्री पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, और बाकी यात्री जो चल नहीं सकते वो रिक्शे में भी परिक्रमा दे सकते हैं यहाँ पे, तो रिक्शा की सुविधा आपको मिल जाएगी, ई रिक्शा भी मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे आप रिक्शे में भी परिक्रमा दे सकते हो। और ये है दोस्तों गोवर्धन पर्वत, देख सकते हो ये दोस्तों, देख सकते हो कुछ इस तरह का मार्ग है गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, अभी तो पक्का है,
अभी थोड़ा आगे जाएंगे तो साइड में कच्चा रास्ता भी मिलेगा जिस पर आप आसानी से चल सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पक्का मार्ग भी मिलेगा और कच्चा मार्ग भी मिलेगा, तो जो लोग पैदल परिक्रमा करते हैं नंगे पांव, उनके लिए कच्चा मार्ग है तो आप इस पे चल सकते हो आसानी से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और बाकी आप देख सकते हो ये है गोवर्धन पर्वत, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से दर्शन कराऊंगा आपको। रास्ते में आपको सुंदर सुंदर गौ माता के दर्शन भी हो जाएंगे, तो देख सकते हो बहुत सारी गौ माता रास्ते में बैठी है गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में, तो देख सकते हैं आप, कीजिए दर्शन। और ये है सामने अपना गोवर्धन पर्वत, तो कीजिए गौ माता के दर्शन। दोस्तों मैं बिल्कुल गोवर्धन पर्वत के बराबर में चल रहा हूँ, तो देख सकते हो ये कितना सुंदर मार्ग है, और ये बिल्कुल कच्चा मार्ग है, रोड के अंदर है बिल्कुल। और ये मेरे पीछे देख सकते हो, पीछे है गोवर्धन पर्वत, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो देख सकते हो नज़ारे आप। तो आगे अगर मुझे दिखता है बिल्कुल क्लियर तो आपको भी गोवर्धन पर्वत के मैं दर्शन कराऊँगा। बाकी कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत दिन ब दिन घटता जा रहा है, तो बाकी आपको दिखाते हैं थोड़े और नज़दीक से कराएंगे दर्शन गोवर्धन पर्वत के। दोस्तों आप देख सकते हैं यह है परिक्रमा मार्ग, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, और यह कच्चा रास्ता है बिल्कुल, देख सकते हो बिल्कुल गोवर्धन पर्वत के बराबर में है ये मार्ग। और ये सामने आप देख सकते हो यह है गोवर्धन पर्वत, तो आपको ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा क्लियर क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो आप देख सकते हैं नज़ारे मार्ग के। और अभी नवंबर का महीना चल रहा है तो परिक्रमा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, मौसम बिल्कुल अच्छा है, तो आप आ सकते हो परिक्रमा के लिए। ये मौसम सबसे बेस्ट है नवंबर का महीना। तो बाकी आप नज़ारे देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत के आसपास का, कितना हरा भरा है। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं अन्योर गांव में, और अन्योर गांव के नज़ारे आप देख सकते हो कितना सुंदर और भव्य है। दोस्तों आपको परिक्रमा मार्ग में अन्योर गांव के पास संकर्षण कुंड देखने को मिलेगा, तो कीजिए दर्शन संकर्षण कुंड के। तो देख सकते हैं आप यहां पे घाट बने हुए हैं, तो यहां पे स्नान भी कर सकते हैं आप, बाकी नज़ारे देखिए। परिक्रमा मार्ग में आपको जगह जगह बैठने के लिए सुविधा मिल जाएगी, और यहाँ पे देख सकते हो शौचालय की भी सुविधा है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है परिक्रमा मार्ग में।
दोस्तों आपको रास्ते में बैठने की सुविधा मिल जाएगी और आपको यहाँ पे जूस वगैरह की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी रास्ते में, तो आप गन्ने का जूस वगैरह ले सकते हो। तो देख सकते हैं आप परिक्रमा मार्ग में ये सब सुविधा मिलेगी आपको। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं साक्षी गोपाल जी मंदिर के पास, तो कीजिए दर्शन। और ये दिव्य संत देख सकते हो कैसी परिक्रमा लगा रहे हैं, ये दंडवती, ये बहुत ही कठिन परिक्रमा होती है दंडवती। तो देख सकते हैं कीजिए दर्शन साक्षी गोपाल जी टेम्पल के। दोस्तों देख सकते हो ये भक्त दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं और दंडवती परिक्रमा में लगभग आपको एक हफ्ता का समय लग जाएगा। तो देख सकते हैं 21 किलोमीटर में, तो एक हफ्ता आराम से लग जाता है। महाराज जी क्या नाम है आपका, कितने दिन से परिक्रमा लगा रहे हो आप? तो देख सकते हैं महाराज जी हमारे 7 दिन से परिक्रमा लगा रहे हैं दंडवती, तो बहुत कठिन परिक्रमा है ये, तो आप भी लगा सकते हो दंडवती परिक्रमा, लेकिन समय चाहिए इसके लिए, और वो भी ठाकुर जी के जब कृपा होगी जब ही दंडवती परिक्रमा होगी। तो हमारे महाराज जी देख सकते हैं अभी तक एक हफ्ते में आप यहीं पहुँचे हो, तो देख सकते हो भक्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक हफ्ते में पूरी परिक्रमा कर लेते हैं, और बहुत भक्त ऐसे हैं जिसको 15 दिन भी लग जाते हैं। तो बस श्रद्धा है, बाकी ठाकुर जी की इच्छा है, जब उनकी इच्छा हुई जब ही परिक्रमा पूरी होगी। तो चलते हैं अब आगे की तरफ और कराते हैं दर्शन। और जय हो गोवर्धन महाराज की, राधे राधे। दोस्तों यह है गोवर्धन पर्वत और कीजिए बिल्कुल नज़दीक से दर्शन। तो मैंने बोला था मैं आपको कराऊंगा दर्शन, तो कर लीजिए गोवर्धन पर्वत के नज़दीक से दर्शन। तो दोस्तों कीजिए बिल्कुल नजदीक से दर्शन गोवर्धन पर्वत के। तो देख सकते हो आप नजारा, ये है मेरे पीछे गोवर्धन पर्वत। तो कीजिए दर्शन गोवर्धन पर्वत के, और यहाँ पे आप देख सकते हो भक्तों ने अपने लिए छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं, और उनकी ये मन्नत होती है कि उनका घर बन जाए। तो देख सकते हैं आप नज़ारे, यहाँ से बिल्कुल आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। जब आप आओगे गोवर्धन परिक्रमा के लिए तो आपको अंदर आना होगा रोड से, तो देख सकते हो आप जगह जगह पे आपको रास्ते मिल जाएंगे अंदर आने के लिए। तो कीजिए दर्शन। तो दोस्तों देख सकते हो गोवर्धन पर्वत, और ये वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था 7 दिनों तक,
और इंद्र का मान का मर्दन किया था, तो ये वही जगह है। और इसी जगह पर सभी गोकुलवासियों को भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था। तो दोस्तों, आपको परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे साधु संतों के आश्रम देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत सारे आश्रम दिखेंगे आपको साधु संतों के। तो कीजिए दर्शन। दोस्तों, फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ पूछरी का लौठा। तो कीजिए पूछरी के लौठा के मंदिर के दर्शन। तो कराते हैं आपको नज़दीक से दर्शन। तो कीजिए पूछरी के लौठे का दर्शन। तो परिक्रमा मार्ग में आपको जगह जगह पीने के पानी की सुविधा मिल जाएगी। तो देख सकते हो आप, भक्त पानी की सेवा कर रहे हैं तो आपको जगह जगह पानी की सुविधा मिल जाएगी। तो दोस्तों, देख सकते हैं जतिपुरा रह जाता है यहाँ से 2 किलोमीटर। तो कराते हैं आपको जतिपुरा के दर्शन। बाकी आप कीजिए परिक्रमा मार्ग के दर्शन। तो यात्रा मार्ग में आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे, तो आप इनको केला वगैरह खिला सकते हो। तो देख सकते हैं यात्री केला खिला रहे हैं बंदरों को, हनुमान जी को। तो एक चीज़ सावधानी से रखना, अपना फ़ोन ज़रूर सावधानी से रखना, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन ज़रूर छीन लेते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच गया हूं जतिपुरा, और ये जतिपुरा गांव है। तो देख सकते हो गांव के नज़ारे आप। तो काफ़ी सुविधा मिल जाएगी इस गांव में आपको, बहुत सारी शॉप्स वगैरह देखने को मिल जाएगी यहां पे आपको। जगह जगह ई रिक्शा की सुविधा मिल जाएगी, तो आप ई रिक्शा ले सकते हो। तो मेरे पैरों में थोड़ा दर्द हो गया, तो मैंने ई रिक्शा ले लिया यहाँ से राधा कुंड तक के लिए, जिसका इन्होंने 50 रुपये चार्ज किया है। तो देख सकते हैं आप मार्ग के नज़ारे। दोस्तों, परिक्रमा मार्ग के नज़ारे आप देख सकते हैं, इतना भव्य और सुंदर है। तो रिक्शे में परिक्रमा करने का आनंद ही अलग है। तो देख सकते हैं आप, छोटी परिक्रमा स्टार्ट होती है। तो देख सकते हो आप यहाँ के मार्केट में कितनी भीड़ भाड़ है अभी। तो नज़ारे आप देख सकते हैं मार्केट के। तो दोस्तों, बड़ी परिक्रमा यहीं पे ख़त्म होती है और छोटी यहीं से शुरू होती है। तो रास्ते में आपको पड़ेगा कुसुम सरोवर, राधा कुंड, श्याम कुंड, तो उसके भी दर्शन कराएंगे आपको।
दोस्तों यहाँ से छोटी परिक्रमा आरंभ होती है, तो देख सकते हो आप, कीजिए दर्शन। यहाँ से छोटी परिक्रमा शुरू होती है, तो देख सकते हैं आप और कीजिए दर्शन। तो दोस्तों अभी मैं पहुंचने वाला हूं राधा कुंड के पास, तो देख सकते हैं हम अभी पहुंचने वाले हैं राधा कुंड पे, तो कराते हैं आपको राधा कुंड के दर्शन। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं राधा कुंड के पास, तो देख सकते हो कीजिए राधा कुंड के दर्शन, और आप यहां कुंड में स्नान भी कर सकते हो। तो नज़ारे आप देख सकते हैं राधा कुंड के, तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं राधा कुंड पे, और देख सकते हो मैं पैड़ी पे बैठा हूं राधा कुंड के, तो कीजिए दर्शन पवित्र राधा कुंड के। तो आप इसमें स्नान भी कर सकते हो राधा कुंड में, और इससे थोड़ा ही आगे उस साइड श्याम कुंड है, तो श्याम कुंड के भी दर्शन कराता हूं मैं आपको। बाकी देख सकते हो आप राधा कुंड के नज़ारे। दोस्तों देख सकते हैं ये है राधा कुंड, और राधा कुंड के जस्ट बराबर में है श्याम कुंड, तो श्याम कुंड के भी दर्शन करा देते हैं आपको। तो देख सकते हैं अभी हम पहुँच गए हैं श्याम कुंड के पास, और जस्ट ये राधा कुंड के बराबर में श्याम कुंड है, तो ये हो गया राधा कुंड और ये है श्याम कुंड। तो देख सकते हैं कीजिए श्याम कुंड के दर्शन आप, और ये भी काफ़ी बड़ा कुंड है श्याम कुंड, तो देख सकते हो आप। तो कराता हूँ आपको टेंपल के दर्शन श्याम कुंड के। तो ये दोनों कुंड बिल्कुल बराबर में ही है, पहले राधा कुंड है फिर है श्याम कुंड, देख सकते हो आप, कीजिए दर्शन। श्याम कुंड के दर्शन कीजिए आप, तो यहाँ भी स्नान कर सकते हो आप। दोस्तों राधा कुंड के पास भी आपको अच्छी खासी मार्केट देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको खाने पीने की शॉप्स भी मिल जाएंगी और प्रसाद की शॉप्स भी, तो देख सकते हो नज़ारे आप राधा कुंड पास के मार्केट का। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिठाई की शॉप्स भी मिल जाएंगी राधा कुंड के पास, तो बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी आपको शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे, प्रसाद की तो ज़्यादातर शॉप मिलेगी आपको। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं कुसुम सरोवर पे, और यहां से जो मानसी गंगा की दूरी है वो है 2 किलोमीटर, तो अब थोड़ी सी परिक्रमा और रह गई है, तो बाकी आप कीजिए कुसुम सरोवर के दर्शन,
तो देख सकते हो आप कितना बड़ा ये कुसुम सरोवर, और देख सकते हो चारों तरफ घाट बने हुए हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्नान भी कर सकते हो। तो देखिए नज़ारे और कीजिए दर्शन कुसुम सरोवर के, तो क्या भव्य नज़ारा है यहाँ का। तो दोस्तों गोवर्धन के परिक्रमा में जो आनंद है आपको दिन में ही आएगा, जब आप दिन में परिक्रमा करोगे। रात्रि को इतना आनंद नहीं आएगा, क्योंकि रात्रि को कोई भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी नहीं अच्छी तरह से, कोई भी नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे नहीं, और ना ही आपको गोवर्धन पर्वत के दर्शन होंगे। तो आप अगर परिक्रमा पे आओ तो अभी फ़िलहाल नवंबर का महीना चल रहा है, तो दिन में परिक्रमा कीजिए, बिल्कुल मौसम एक नंबर का है दिन में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, और बाकी नज़ारे आप देख ही सकते हो। तो अभी मैं बैठा हूँ कुसुम सरोवर पर, 5 मिनट आराम करके अब मैं निकलूँगा मानसी गंगा के लिए, और वहाँ पर अपनी परिक्रमा को पूरी करूँगा। बाकी आप नज़ारे के लुत्फ़ उठा सकते हो। तो आपको परिक्रमा मार्ग में जगह जगह पीने के पानी की सुविधा मिल जाएगी, तो देख सकते हैं आप। और महाराज जी दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं मानसी गंगा के पास। तो देख सकते हो मैं मानसी गंगा के घाट पे बैठा हूं। तो मैंने यहां से सुबह 11 बजे परिक्रमा स्टार्ट किया था, जिसमें मुझे समय लग गए 5 घंटे पूरे परिक्रमा में, और परिक्रमा के दौरान मैंने 6 से 7 किलोमीटर मैंने ई रिक्शा से परिक्रमा किया, जिसका किराया मुझे देना पड़ा 50 रुपये। तो आपको पूरे परिक्रमा मार्ग में ई रिक्शा की सुविधाएं मिल जाएगी। तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो चलने में तो आप ई रिक्शा कर सकते हो। तो मेरी परिक्रमा यहाँ पर पूरी होती है। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। राधे राधे।